गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर क्या होता है, किसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसके साथ साथ है ना इसके कंपोजिशन के बारे में भी बताया था कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, किस गैस की मात्रा कितने परसेंट होती है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं, उसके लेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, तो अर्थ के चारों तरफ एक एयर का, हवा का एक परत, हवा की एक बहुत मोटी परत बिछी हुई है, जिसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। कितने लेयर में? 5 लेयर में डिवाइड किया गया, 5 परत है। देखिए, जब आप अर्थ से है ना ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर तक जाएंगे, है ना, सिर्फ हम अभी बता देते हैं नाम, इसके बाद हम फिर डिटेल से सबको पढ़ेंगे। तो जब आप अर्थ से ऊपर आसमान की तरफ 10 किलोमीटर तक जाएंगे, तो इस लेयर को हम ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। इस लेयर को अर्थ के सरफेस से लेकर 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो लेयर होती है, उसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इस लेयर के अंदर आपको क्लाउड, वेदर, जेट प्लेन, है ना, माउंटेन वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। अब आप ठीक है ना, अब सरफेस से 50 किलोमीटर तक, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रोपोस्फीयर से 40 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, है ना, तो इसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मतलब सरफेस से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें है ना सुपरसोनिक जेट प्लेन चलता है। फिर आप 85 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे, तो उसे मेसोस्फीयर कहते हैं। ठीक इसके बाद आप 450 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे, उसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। और 450 किलोमीटर के बाद जितने भी है ना ये है, उसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह है ना इसको एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। अब हम सभी लेयर के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, और इसके है ना सभी लेयर को बारी बारी में पढ़ने से पहले हम थोड़ा है ना एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसकी इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैस पाए जाते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्व है। तो आप लोग जैसे कि पढ़े कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, जो लगभग 78% के बराबर है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो इस गैस की क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर एंड इट नीडेड बाय प्लांट फॉर ग्रोथ। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो गैस है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है वह प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। और ऑक्सीजन दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वह ह्यूमन्स हो, चाहे वह एनिमल हो, चाहे वह बर्ड्स हो, सभी इसको ने जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको है ना सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स गिव इट आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग के द्वारा जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हम फिर सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अब्जॉर्ब द हीट गिवन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कीप्स इट वार्म। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इसको इसीलिए इस गैस को इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस का जो हीट होता है, जो अर्थ के सरफेस से जो हीट निकलते हैं, उस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और इस हमारे है ना एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में, हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में मदद करता है।
दस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द अर्थ, इसीलिए है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसाइंथिस और फोटोसाइंथिस है ना, भोजन बनाने की जो एक प्रोसेस है प्लांट को है ना, उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है इसको, सॉरी प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज इट स्टोर मोर हीट एंड रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, कहता इसीलिए जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा एटमोसफेयर में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही था एटमोसफेयर में पाए जाने वाले जो गैस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं है ना, तो सबसे पहला जो लेयर है वह ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो 5 लेयर्स हैं उसके सबसे निचले लेयर को, सबसे नीचे वाले लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई अर्थ के ग्राउंड से 10 किलोमीटर तक है। अर्थ के ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक है? 10 किलोमीटर तक। About 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स, देखो पोल से मात्र 6 किलोमीटर तक और इक्वेटर से 16 किलोमीटर तक, तो एवरेज जो है वह 10 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हैं जैसे वेदर, वेदर का जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे क्लाउड, रेनफॉल, फॉग, ड्यू है ना, ये सब सारा चीज़ इस लेयर में ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड के नज़दीक जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है। याद रखिएगा ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, किस रेट से? तो 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, हर 165 मीटर आप जितने 165 मीटर 165 मीटर एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम होते जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, और इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, जिस है ना जिस रेट से टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फीयर में उसे ही नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। द ट्रोपोस्फीयर इज़ द डेंटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे ज़्यादा डेंटेस्ट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पार्ट है एटमोस्फेयर का। इट प्रिवेलेंट डैट अर्थ सरफेस फ्रॉम गेटिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट है ना, बाय ऑब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड बाय इट। ऐसा माना जाता है कि ट्रोपोस्फीयर जो है उसमें दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, ट्रोपोस्फीयर जो है वह दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। अब देखो ट्रोपोस्फीयर से अगली जो परत है, अगली जो लेयर है, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग अलग करता है, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ है ना, ट्रोपोपॉज कहते हैं। द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग हेयर, और इस जगह पे जो ट्रोपोपॉज होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना क्या होता है, बंद कर देता है। सिर्फ यहीं तक आपको है ना ट्रोपोस्फीयर के जो पार्ट्स हैं, जो भाग है ट्रोपोस्फीयर का, जो एरिया है 10 किलोमीटर तक, वहीं तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के नज़दीक जाएंगे। लेकिन जब हम एल्टीट्यूड है ना वो बाउंड्री, जिस जो बाउंड्री ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करता है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद कर देता है। तो यह आपको है ना जो है सो एटमॉस्फेयर का है ना सबसे लोअर और सबसे पहला है ना लेयर के बारे में पढ़ें। अगले वीडियो में हम इसके अगले लेयर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।